हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू असम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली वो दिन आ गई थी। प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया किस तरह से हम लोग गए थे और बारात के लिए किस तरह से रेडी हुए थे। तो यहाँ से बारात निकल गई है और हम लोग एक्चुअली होटल लिए थे, होटल से हम लोग निकल के जा रहे हैं। और बारात में जो हम लोगों के साइड में जो लोग थे ना, अबोव 100+ ही थे। तो बहुत झूम झूम के सब लोग डांस कर रहे थे और मेरा डांस को प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुशी हो गई थी कि एक ही भाई है तो ये मौका तो बार बार नहीं आएगा। तो जो मन में है वो करके देखते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोग डांस कर करके गए और सब लोग ही बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। और ये रही प्यारी सी एंजल, जो कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। उसका हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और उसका जो ड्रेस था वो बहुत ज़्यादा प्यारा कलर था। एक्चुअली सच कहूँ तो हम लोग थोड़ा सा कंबाइन करके कलर सेम किए थे, मेरी लहंगा और एंजल की लहंगा, और मिस्टर के जो शेरवानी था वो ऑलमोस्ट सेम ही कलर का था। तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चल के जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं लड़की का जहाँ पर शादी हो रहा था। वो लोग कल्याणी मंडप एक्चुअली एक बुक किए थे जहाँ पर पार्टी वगैरह होता है, शादी वगैरह होता है। तो वहाँ से फिर भाई का एक बहुत अच्छे से वो लोग स्वागत करते हैं। उसके बाद हम लोग दूल्हा को लेकर घर जाते हैं और वहाँ पर मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी मिल गए थे। इस तरफ से लड़की की जो है वो रिश्तेदार भी थे और कुछ फ्रेंड्स लोग भी थे। और ये रही मेरी प्यारी भाभी, बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन दुल्हन की गेटअप में। दुल्हन का जो रूप ही अलग होता है उस दिन, सब लोग यूनिक दिखते हैं। और देखते देखते ही रात का बज रहा था 11:30 और उस टाइम पे शादी स्टार्ट हुआ। शादी का बहुत सारा रिचुअल्स होता है, बहुत सारा रस्में होता है। कुछ हम लोगों का रस्में हम लोग फॉलो कर रहे थे, कुछ जो भाभी के साइड पे है वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मीण हैं। फिर भी ब्राह्मीण से भी डिफर करता है कुछ रस्में और रिचुअल्स। तो इस तरह से ही कुछ चीज़ें जो भी पंडित ने बता रहे थे वो सब फॉलो कर रहे थे। और पापा और जो मेरी भाई की भी पापा, सॉरी भाभी की भी जो पापा लोग हैं वहाँ पर बैठे थे। सब लोग हम लोग मंडप की चारों तरफ बैठ गए थे। पहले एक्चुअली हम लोगों का क्या होता है कि दूल्हा का पहला पूजा होता है, उसके बाद फिर दूल्हा चली जाती है, फिर भाभी आती है। भाभी का फिर से अगेन कुछ पूजा वगैरह होता है, फिर भाभी चली जाती है, फिर अगेन दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मंडप पे बैठ के फिर शादी का जो भी रस्में वगैरह होता है वो सब होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, ऑलमोस्ट टेम्परेचर कुछ 12-14 के करीबन था। बट हम लोग जहाँ पर रहते हैं, मेरे होम टाउन की बात कर रही हूँ, जहाँ पर रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसकी वजह से हम लोग कुछ भी जैकेट वगैरह नहीं लेके गए थे। तो लकीली मैंने एंजल को भेज दिया था दीदी के साथ, यानी मेरी जो ननंद है दीदी के साथ भेज दिया था घर। तो वो बहुत अच्छे से वो आ गई थी बस में और हम लोग दुल्हन को लेके आएंगे अगले दिन। तो पूरा रात भर शादी चल रहा था। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दूल्हा पहले आता है, उसके बाद दुल्हन आती है। तो यहाँ पर दूल्हा का कुछ रिचुअल्स होता है और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का एक रिचुअल्स होता है, एक हाथ में दूसरी हाथ इस तरह से नट किया जाता है। वो नट जो है वो साली लोग अपना नट को खोलते हैं और इसको हम लोग एक्चुअली हस्तगंठी बोलते हैं। तो ये जो प्यारी सी क्यूट सी छोटी वाली साली थी वो आराम से खोल ली और उसके बाद अगेन शादी कंटिन्यू हुई। तो शादी का तो लगता ही रहता है, ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स लगा। शादी ख़त्म होते होते 5 बज गया था। फिर मीन्स भाई और भाभी दोनों ही मेरे भाभी के घर आए, हम लोग सभी भी आए। ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि निकलते निकलते ऑलमोस्ट 6:37 हो गई थी। और ये हो रही है भाभी की विदाई। विदाई के दिन तो बहुत ज़्यादा सैड होता है, बट फिर भी मन में एक खुशी थी कि एक नई पर्सन हम लोगों के घर में आड़ होने के लिए जा रहा है। तो अभी हम लोग फिर रिटर्न कर रहे हैं, घर चुके थे। घर आने के टाइम पर हो रहा था दिन का 12,
तो मतलब आप सोच सकते हैं पूरा 2 दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया, मीन सोई थी, और नींद तो आँखों से चली ही गई थी। कितना भी बोलूँ, जो खुशी का एक रहता है ना, उसके वजह से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो उसी ड्रेस में मैं हूँ, और सुबह सुबह जैसे कि वहाँ से निकले थे, और ऑलमोस्ट 4-5 घंटा लग ही जाता है, 200 किलोमीटर है ना, तो 5 घंटा तो लग ही जाता है। यहाँ पर एक रिचुअल्स होता है हम लोगों का कि भाभी जब नई मीन्स आती है पहली बार, तो यहाँ पर जो नणन लोग है वो दीवार को इस तरह से करके बैठती है, और उन भाभी लोग जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर देते हैं, मीन्स जो गिफ्ट के आकार पे कुछ देते हैं, जैसे कि गोल्ड देते हैं, और उसके साथ साथ एक सूटकेस में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें और बहुत सारे जो कपड़ा है वो सब देते हैं। तो मुझे भी मिला था, तो आगे मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी व्लॉग में कि मुझे क्या मिला था। तो यहाँ पर एक रिचुअल्स होता है, भाभी और भाभी के जो भाई है उसको हम लोग कुछ मीठा खिलाते हैं। मीठा में हम लोग जागरी को शुभ मानते हैं, तो इसलिए जागरी को यहाँ पर गाल में थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे हैं और मुँह मीठा कराएंगे। फिर दुल्हन अंदर जाएगी, और अंदर जाके फिर पहली जो मीन्स उसका जो पहला घर होता है वो है मंदिर, घर की जो मंदिर है वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा कुछ रिचुअल्स होता है, पूजा वगैरह करना होता है। फिर यहाँ पर मम्मी की भी जो फ़ोटो थी वहाँ पर भी वो मीन्स नमस्कार जो होते हैं ना, प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम करेगी। फिर जाके वो मीन्स कुछ खाना पीना अगर होता है तो वो करेगी। तो शादी के दिन तो पूरा दूल्हा दुल्हन का फास्टिंग रहता है, तो रात में वो लोग कुछ मीन्स खाए थे, और अभी शाम का टाइम हो रही है, मीन्स ऑलमोस्ट पूरा दिन भाई और भाभी अलग अलग मीन्स हम लोगों के साइड पे अलग अलग उन दोनों को रखा जाता है जब तक रात नहीं होती है। रात में इस तरह से एक हवन होता है, हवन में बहुत सारे अगेन नीति नियम सब होता है। तो यहाँ पर हवन हो रहा था, हवन में भी 3 घंटा लग ही गया था। उसके बीच में मैंने थोड़ा सा बेड को सजाने के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था। यहाँ पर भाई और भाभी के लिए हम लोग एक सरप्राइज भी प्लान किए थे, तो ये देखिए। तो शादी के 2 दिन के बाद हम लोगों के यहाँ पर एक रिचुअल्स होता है, जो कि घर की जो नई दुल्हन है वो पहली रसोई करते हैं। बट रसोई में हम लोग एक्चुअली जो फिश है उसको सूप माना जाता है और साग किया जाता है, बट पूरा तो दुल्हन नहीं करती है। जो भी कुक फूड है वो जाके थोड़ा सा टच करती है, उसके बाद सारे लोग खाते हैं। तो इस तरह से एक रिचुअल्स है, मैं भी किया था मेरे ससुराल में। तो यहाँ पर वही सारे फिश को फ्राई चल रही है, और ये पूरा हम लोगों ने छत के ऊपर का जो व्यू है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक मेरी बुआ है, वो जो सारे साग को यहाँ पर धो के एक कर रहे हैं, और ये जो फिश है और साग है वो लड़की के तरफ से आता है। तो उनका जो भाई है, मेरी भाभी की भाई, वो लेके आए थे, और यहाँ पर सारे मेरे बुआ लोग यहाँ पर बैठ के आराम से बात करते हुए सब्जी को कट कर रहे हैं। मेरी यहाँ पर मासी भी है, मेरी चाची भी है, बुआ भी है, मेरी एक्चुअली 5 बुआ है, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली में शादी वगैरह होता है ना, सब लोग इस तरह से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हंस हंस के बात करते हैं, तो किसी भी मन में एक थोड़ा सा भी कुछ नहीं होता है तो अच्छा लगता है। तो उसी दिन ही शाम को रिसेप्शन थी, तो यहाँ पर भाभी और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पार्लर, और एंजल भी आई थी, तो एंजल का भी थोड़ा बहुत मेकअप यहाँ पे होगा, हम लोग भी मेकअप किए। उसके बाद पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 7:30 हो गया था। तो Thank you.
तो देखते देखते पूरा वीक ही निकल गया, शादी हो गया, हल्दी हो गया, रिसेप्शन हो गया, सब कुछ हो गया था। तो सबके मन में एक सुकून भरी सी एक बात थी, जो कि स्पेशली मेरी पापा की अगर बात करूँ तो पापा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे कि सारे जो चीज़ें हैं बहुत बहुत अच्छे से हो गया, जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किए थे उससे ज़्यादा ही हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, भगवान की कृपा है। यहाँ पर तो यहाँ पर एंजल डांस कर रही थी और वो जब भी डांस करती है ना, सारे लोग उसके साइड ही हो जाते हैं। और ये मेरी एक्चुअली बड़ी मासी की बेटा है, मीन्स मेरी भैया होंगे, तो वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। और ये रही मेरी भाभी और भाई। तो उस दिन मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये हूँ मैं और मेरी यहाँ पर दोनों भाभी, जो कि मासी की दो मीन्स बहू है। तो ये रही मैं और ये रही एंजल। तो बस इस तरह से था हम लोगों का रिसेप्शन डे। बहुत ज़्यादा उस दिन मेकअप कर दिया था, तो पूरा लुक यहाँ पर आपको चेंज चेंज लग रहा होगा। और साड़ी बहुत सुंदर थी मेरी। हेलो, तो देखा आपने, शादी तो बहुत अच्छे से हो गई थी और हम लोग भी अभी वापस आ चुके हैं पुणे। तो ऑलमोस्ट 2 महीने का ये ट्रिप था। आप लोगों का बहुत क्वेश्चन आएगा कि शादी में मैंने जो जो ज्वेलरी वगैरह कैरी किया था वो सब शेयर करने के लिए, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ वो सब ज्वेलरी। तो सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, और जो भी मैंने भारत में मेकअप वगैरह भी किया था वो सब मैंने खुद से ही किया था, तो बहुत अच्छा निकला था। तो सारे ज्वेलरी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सब कुछ मैंने शॉपिंग किया है अमेजन से। तो आगे आने वाला है अमेजन पे ब्लॉक बस्टर वैल्यू डे सेल, जो कि 14 से और 17 अप्रैल तक रहेगा, तो आप चाहे तो ये सारे चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए पहला ज्वेलरी की बात करते हैं। पहला कुछ इस तरह से है, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा कलर वाला एक ज्वेलरी है, जो कि कुछ इस तरह से है। और ये जो ज्वेलरी है ना, मैंने खरीदा था बट इसका ज़रूरत मुझे नहीं आई, मैंने इसको नहीं पहना था, क्योंकि 2-4 ज्वेलरी हो गया था ना, तो एक ही फंक्शन के लिए अगर आप 4 ज्वेलरी खरीदते हो तो 3 तो रह ही जाएगा। तो ये बहुत प्यारा ज्वेलरी है, कभी भी मैं चाहे तो पहन सकती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। और ये जो मोती का काम किया गया है ना, वाइट ग्रीन और उसके साथ थोड़ा सा सी ग्रीन है, पिंक है, तो सारे कलर के आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये था उसका नेक पीस, और उसके साथ आपको मिल जाएगा ये प्यारी प्यारी दो इयररिंग्स। इयररिंग्स की अगर बात करूँ तो इयररिंग्स कुछ इस तरह से है, और बीच में जो है ये है रिंग्स। ये जो रिंग है मुझे काफ़ी पसंद आया। कई बार ऐसा होता है कि रिंग अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो पहनने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट ये क्यूट सा है, साइज भी उसका बहुत ज़्यादा सही है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। और इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, तो आराम से आप किसी भी फंक्शन में इसको पहन सकते हैं। अभी आते हैं सेकंड ज्वेलरी पर। सेकंड ज्वेलरी, अगर आप हल्दी का ब्लॉग देखे हैं तो उस टाइम पे मैंने कैरी किया था। तो ये जो ज्वेलरी था ना, काफ़ी सुंदर है, आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ये एंजल कैरी की थी, तो ये कुछ चोको डिज़ाइन का कुछ इस तरह से दिखेगा, और रेड ग्रीन उसके साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा किसी भी कलर के आउटफिट के साथ। अगेन ये आ जाएगा क्योंकि ये मल्टी कलर में है। इसके साथ भी आता है 2 इयररिंग्स कुछ इस तरह से है। इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और ये जो डायमंड शेप है ना, इसकी वजह से मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसके साथ आपको मिल जाता है एक रिंग, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा प्रीटी है। तो ये है रिंग, आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, बहुत सुंदर है, और इसका फिनिशिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आया। प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल था, तो मैंने सोचा कि चलो शादी के लिए ये शॉपिंग करते हैं। तो ये था, और बारात में एंजल कैरी की थी ये ज्वेलरी। ये ज्वेलरी काफ़ी प्रीटी है और बहुत सुंदर भी है, चोकर टाइप का है, बिल्कुल नेक में आ जाता है ये, और बच्चे ये बड़े हैं जो भी है इसको पहन सकते हैं। मैं भी इसको आराम से किसी भी वेस्टर्न वेयर ड्रेस के साथ आराम से पहन सकती हूँ, नहीं तो सिंपल सा अगर जजेट का साड़ी सीक्वेंस वाली पहनती हूँ तो आराम से मैं कैरी कर सकती हूँ। प्राइस और इसका भी बहुत ज़्यादा कम था, अराउंड 200 रुपीज़ में मुझे ये रिसीव हुआ था। तो ये था ज्वेलरी।
और शादी था तो कमरबंद तो लेना ही था, तो कमरबंद मैंने ये लिया है, ये भी अमेजन से लिया था। बहुत प्यारा सा कमरबंद है, काफी ज्यादा स्टडी है, प्राइस भी बहुत ज्यादा कम था। और इसको ना आप अपनी कमर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो ये बेल्ट दिया गया है ना, उसके साथ ये नट को अपनी जितना भी साइज के हिसाब से अटैच कर सकते हो, तो काफी सुंदर लगता है। साड़ी के साथ, लहंगे के साथ आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। तो ये जो डिजाइन की वजह से मुझे काफी सुंदर लगा, बहुत प्यारा लग रहा था, काफी ज्यादा स्टडी भी है, मेटल का है, तो ये टूटने फूटने का तो चांसेस ही नहीं है। ये था नेक्स्ट। मैंने जो मेकअप में यूज किया था वो है दो आई शेडो पैलेट। मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ आई शेडो पैलेट की, क्योंकि फेस आपका जितना भी मीन्स ग्लोई दिखे, अगर आई शेडो पैलेट आपका सही से आप नहीं लगाते हो तो बहुत ज्यादा गंदा दिखता है और मेकअप अधूरा रहता है। तो मैंने दो पैलेट यूज किया था ब्राइट कलर के लिए। मैं ये न्यूड का यूज करती हूँ आई शेडो पैलेट, जो कि काफी प्यारा प्यारा कलर है, और सारे जो कलर है ना बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। और ये जो जिंक, दो जिंक है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। और ये जो अगेन पिंक कलर है, ये भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, ये देखिए। तो ये मैंने यूज किया था ब्राइट कलर के लिए। और मेकअप रिवोल्यूशन का ये एक पैलेट है, जो कि मैंने थोड़ा सा सिमरी टाइप का कलर के लिए यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लाइट सा शेड है और काफी जेंटल लुक क्रिएट करता है। और ये थोड़ा सा ना ब्रेक हो गया अभी, जैसे कि हाथों से मेरा गिर गया तो थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया, बट क्या कर सकते हैं, इसको ना इस तरह से संभाल के रखना चाहिए, बट कभी कभी हो जाता है। और ये जो थोड़ा सा व्हाइटिश शेड है ना, इसको आप एज ए हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा चिकबोन एरिया पे या नोज एरिया पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा दो पैलेट। तो बस इतना शॉपिंग मैंने किया था, और भी कुछ शॉपिंग मैंने किया है, वो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।